आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, भादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 29 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। फ़िलिस्तीन फिर बना जंग का मैदान, गर्ब अर्दन में इसराइली फायरिंग में 4 फ़िलिस्तीनी शहीद, मुतादिद मकामात पर इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में आई शिद्दत। अलक्सा इंतफाजा की 22वीं सालगिरह, फ़िलिस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ वापस लाने, इसराइली कस्बे के खात्मे तक तमाम मज़ाहमती ऑपरेशंस जारी रखने के अपने अज़्म को हमास दोहराए। महसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत का रवैया सख्त, ईरानी मीडिया मुजाहिरीन को करार दे रही मुनाफिक, फसादी और फितना परस्त। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके पर किए मिसाइल हमले, अलायदगी पसंदों के ठिकानों पर हमले में 13 अफराद की हलाकत की खबर। मुजाहिरों के खिलाफ गैर मुतनासिब ताकत का इस्तेमाल ना करने का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने किया मुतालबा। अलकायदा सरबरा ऐमान अलज़वाहिरी को काबुल में थी मुकम्मल आज़ादी, अफगानिस्तान के लिए खुसूसी अमेरिकी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट का दावा। अमेरिकी मुसल्ह फोर्सेस के हेडक्वार्टर सेनेट कोन ने अरबेल भेजे गए ईरानी ड्रोन तैयारे को मार गिराने का किया ऐलान, ड्रोन को बताया सेनेट कोम के लिए खतरा। यूएन असेंबली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय लीडरों से किया खिताब, रूसी रेफरेंडम के नतायज को तस्लीम ना करने पर फिर एक बार दिया जोर। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सल्तनत ओमान के सुल्तान से मुलाकात, 16 अहम मुआहदों और 7 शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर किए दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हक़ में सुनाया बड़ा फैसला, मर्जी के बगैर शादीशुदा खातून को और गैर शादीशुदा खातून को भी एबॉर्शन का दिया हक। साबिक आर्मी ईस्टर्न कमांड चीफ अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर, साथ ही वो सेक्रेटरी महकमे फौजी उमूर के तौर पर भी फराइज देंगे अंजाम। पीएफआई के खिलाफ मुल्क गिर छापों, गिरफ्तारियों और फिर 5 साल की पाबंदी के फौरी बाद महाराष्ट्र हुकूमत की बड़ी कार्रवाई, जायदादें जब्त करने का दिया हुक्म। आरएसएस पर पाबंदी की मांग के दरमियान बीजेपी एमपी सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव को किया चैलेंज, कहा अगर है हिम्मत तो आरएसएस पर पाबंदी लगा कर दिखाए। अगले माह होने वाले कांग्रेस अदालती इंतखाबात की दौड़ में कांग्रेस के तजुर्बेकार दिग्विजय सिंह भी शामिल, अंदरून 2 दिन नामजदगी करेंगे दाखिल। केजरीवाल ने गुजरात से बीजेपी हुकूमत के सफाए की कही बात, ट्वीट में लिखा नेगेटिव और बदले की सियासत से बेजार हो चुकी है गुजरात की अवाम। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया गुजरात में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हवा से बीजेपी भौंकला गई, इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटों के दौरान 2 बसों में हुए पुरअसरार धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट, टेरर एंगल का अंदेशा। तेलंगाना की हुकुमरान टीआरएस मुकरना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में किया जाएगा मुनाकिद, उसी दिन सीएम केसीआर नई कौमी पार्टी का करेंगे ऐलान। 350 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ शिंडर इलेक्ट्रिक का क़याम, केटीआर ने की भूमि पूजा, कहा तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम। तेलंगाना हुकूमत के काम करने का तरीका पूरे मुल्क के लिए मिसाल, तेलंगाना को नेशनल अवार्ड मिलना हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा, नाकायदीन को हरीश राव ने दिया सुधर जाने का मशवरा। दलित बंधु स्कीम के तहत मिर्चल के नाचाराम में फ्लेक्सी ट्रेनिंग सेंटर का एमएलसी कविता ने किया इफ्तिताह, कविता ने कहा दलितों की माशी तरक्की केसीआर का मकसद। तेलंगाना के मनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाबात के मुहिम में आई शिद्दत, कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की वोटर्स से मुलाकात, कहा मनुगुड़ू रिवायती तौर पर कांग्रेस का किला। तेलंगाना भर में बारिश का अलर्ट, महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बशमूल हैदराबाद दीगर 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी।
मिर्चल में खौफनाक सड़क हादसा, खानगी सिक्योरिटी सर्विस कंपनी की मुलाजिमा हलाक, कौमी शाहरा पर लॉरी ने दी थी स्कूटर को टक्कर। सोने की कीमतों में मामूली इजाफा, हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 51,150 रुपये फी 10 ग्राम जबकि प्योर चांदी 570 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।